जो आज करने जा रहे हैं आप लोगों के समक्ष। तो ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट की तरफ से मैं डॉक्टर विक्रांत आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूं आज के सेशन में। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको अपनी वॉल से शेयर कर दीजिए कि आपके जानने वाले जो आपके साथ एसोसिएटेड हैं डिस्ट्रीब्यूटर वो भी इस न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग का मजा ले पाए और अपने आपको अपग्रेड कर पाए और अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ा पाए। यानी कि नए प्रोडक्ट को जो हम लॉन्च करने वाले हैं, जैसा कि आज आप देख रहे हैं पोस्टर में, जो पोस्टर ही अपने आप में काफी है बताने के लिए किस टाइप के प्रोडक्ट आपके लॉन्च होने वाले हैं। पीछे ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, पीछे आपको खेत दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सीधा सीधा इसका मतलब एक ही है कि आज वो घड़ी आ गई है जिसके लिए बहुत सारे लोग बेताब थे, बहुत सारे लोग वेटिंग में थे, बहुत सारे लोग प्रेशराइज थे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी ओके के पास होने चाहिए। सो आज आप लोगों की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए एक शानदार तरीके से पूरा डिपार्टमेंट जिसको हम ओके एग्री एग्री डिवीजन यानी कि एग्रो डिवीजन हमने प्लान किया, उसमें आपका एजुकेशन से लेके प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके आप लोगों की क्वारी से लेके आपकी ट्रेनिंग से लेके सारी वो चीजें हमने डेवलप की कि आप अच्छे से इन प्रोडक्टों को कमर्शलाइज कर पाए, अच्छे से इन प्रोडक्टों को प्रमोट कर पाए और फार्मर को भी गाइड कर पाए कि उसको कैसे यूज किया जा सकता है इसके मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। सो आप सब लोगों का मैं फिर से स्वागत करना चाहता हूं आज के न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग प्रोग्राम में। सो पीपीटी के माध्यम से आप लोगों की मैं चाहूंगा जितने लोग हमें सुन रहे हैं वो अपना थम्स अप दिखा के इस प्रोग्राम को न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाएं कि हम आज एक नया डिवीजन एक नई कैटेगरी है जो प्रोडक्ट की जिसको आप एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बोलने वाले हैं यानी कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को आज लॉन्च करें आप लोगों के समक्ष। सो आप लोगों का थम्स अप मैं जनता जनार्दन का फेवर चाहूंगा और उसके बाद पीपीटी के माध्यम से आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें मैं आपके आज शेयर करने वाला हूं। राइट सो यस एग्रो डिवीजन वेलकम्स यू यानी कि ओके एग्री के नाम से जो हम प्रोडक्ट लेके आए हैं आपका वेलकम करना चाहते हैं आज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के माध्यम से आप सब लोगों का। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यदि मैं बात करूं तो हमने पिछले लंबे टाइम से पूरी बास्केट को प्रिपेयर करने में टाइम लगाया, उसमें हमने 9 प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया जिसमें पास्टर 85 मेलन गार्डन हेल्थ किट भूमि ऊर्जा प्लांट शक्ति सॉयल हेल्थ फ्रूट स्पेशल गार्डन हेल्थ एंड गार्ड नाम से हमने ये 9 प्रोडक्ट को शामिल किया है इस बास्केट में प्राइमरी स्टेज में। राइट देखिए यदि आप हम सब जानते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है इंडिया की जो मेन अर्निंग सोर्सेज हैं उसमें सबसे बड़ा रोल है हमारी इंडिया में एग्रीकल्चर का यानी कि एक कृषि प्रधान देश भारत को माना जाता है और एग्रीकल्चर के नाम पे ही हमारी बहुत सारे लोगों की यानी कि लगभग 60-70% लोगों की जो जीविका है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली चलती है। सो ये बहुत बड़ा एक सेगमेंट है और बहुत बड़ा एक हमारे पास यू कैन से एक अपॉर्चुनिटी है ऐसे प्रोडक्टों को कमर्शलाइज करना और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। बट हमारा मेन एजेंडा क्या है इसमें, हमारा मेन मुद्दा क्या है, देखिए पिछले लंबे टाइम से मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ेगी तो उनका पेट भरने के लिए आपको एग्रीकल्चर की जो यील्ड है जो आपका टोटल प्रोडक्शन है उसको भी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारी एग्री लैंड घट रही है, जैसे न्यू कंस्ट्रक्शन आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आज से 15 साल पहले इतनी बिल्डिंगें नहीं थी। तो ये जो नया भारत है इसमें एग्रीकल्चर लैंड कहीं ना कहीं खत्म हो रही है और जनसंख्या वृद्धि है डे बाय डे आगे यू कैन से बढ़ती जा रही है। इसी कारण हमें हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे बट पहला पड़ाव जो था इसमें के जो अच्छे कदम उठाए गए वो हरित क्रांति यानी कि 1968 के या 1970 के आसपास जो हरित क्रांति आई ग्रीन रिवोल्यूशन आया यानी कि टोटल जो यील्ड थी उसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो टोटल उपज थी उपज को बढ़ाने का निर्णय लिया गया जिसमें आप बात करें हाइब्रिड बीज आए यानी कि जो पहले के बीज थे उनको हाइब्रिड किया गया कि उनकी टोटल यील्डिंग कैपेसिटी यानी कि पर हेक्टेयर या पर एकड़ जो प्रोडक्शन है उसको बीज के माध्यम से कैसे बढ़ाया जाए।
बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर इन्वॉल्व हुए कि जिसके कारण उनकी ग्रोथ, हम सोइल को और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स दे पाए अपने प्लांट्स को, जिसके कारण उनकी टोटल जो प्रोडक्शन है वो बढ़ पाए, और पेस्ट कंट्रोल यानी कि जिसमें पेस्टिसाइड से या अदर जो पैरामीटर्स थे, इन तीन चार चीजों पे हरित क्रांति में इन पे काम किया गया और जो टोटल प्रोडक्शन था उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हरित क्रांति के बाद देखी गई हमारी उसमें। बट डे बाय डे आज यदि मैं बात करूं तो जमीन का टुकड़ा आज किसान के पास छोटा होता जा रहा है और उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो जो वो उपजाता है, उपजाने के लिए उसके पास जो कॉस्ट है, जो लागत है, वो बढ़ती जा रही है पर प्रोडक्शन उतना ही है। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि खेती करना कहीं ना कहीं आज किसान के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि उसकी जो टोटल कॉस्ट वो बढ़ गई है। और दूसरी साइड ये है कि ओवर यूज, पहली समस्या तो ये कि उनका जो टॉप कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो ज्यादा हो गया। दूसरा है कि उनकी जो एजुकेशन है, हम चाहे आज भी कृषि प्रधान देश है पर जो टेक्निकल एजुकेशन की बात की जाए इंडिया में, तो वो इतनी साउंड नहीं है। हमारा जो किसान है वो आज इतना साउंड नहीं है एग्रीकल्चर एजुकेशन के बारे में, तो उसको हाउ टू यूज द पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट क्या है, रेजिडुअल लेवल क्या है, इसका हमारा लेवल कितना होना चाहिए, एक एक एकड़ में कितना पेस्टिसाइड लगेगा, ये नॉलेज कहीं ना कहीं बहुत कम है। और इसकी वजह से आज आप देख रहे हैं जो पेस्टिसाइड का जो ओवर यूज हुआ है या गलत तरीके से अनजाने जाने अनजाने में यूज हुआ है, तो उसमें एक बड़ी समस्या आज हमारे हेल्थ के लिए भी बन गई है। यानी कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जब हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी, उससे पहले की यदि हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात करें, डायबिटीज नहीं होती थी, हार्ट अटैक इतने नहीं होते थे, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता था, थायराइड की फंक्शनिंग, कैंसर यानी अदर जो मेंटली स्ट्रेस ऐसी जो बीमारियां थी वो बहुत कम थी, और आज आप देखेंगे तो 1000 times इनका रेशो बढ़ा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक फैक्टर आता है जिसको आप पेस्टिसाइड बोलते हैं, तो पेस्टिसाइड की वजह से भी बहुत सारी चीजें आज वो हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रहा है, हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं खराब कर रहा है। यानी कि उपजाऊ फसल को पैदा करने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए उसको हाइब्रिड बीज, फर्टिलाइजर और ये सारी चीजों की साथ पेस्टिसाइड, ये चीजें भी जरूरत पड़ी, पर धीरे धीरे उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी किसान की वो बढ़ती गई और उसके पास जमीन का टुकड़ा छोटा होता गया। और कहीं ना कहीं ऐसे फर्टिलाइजर और जो हम जो आज यूज कर रहे हैं उनका सब्सिट्यूट तो आज गवर्नमेंट के पास भी नहीं है और किसी के पास नहीं है, क्योंकि इतने लोगों का पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं आपको यूरिया, डीएपी, जितनी भी चीजें आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो करने पड़ते हैं। बट कहीं ना कहीं आज जो सोयल हेल्थ है, जो भूमि की जो स्वास्थ्य है आपकी जमीन का, जैसे आजकल जमीन का एक हेल्थ कार्ड भी चलता है, सोयल हेल्थ कार्ड भी एक गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, जो सोयल की हेल्थ है, क्योंकि ये जमीन को हम माँ की तरह मानते हैं, अब जो उसकी उपजाऊ शक्तियां हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, और जो उसकी हेल्थ है वो डिग्रेड होती जा रही है। जो हम आज फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, उनकी वजह से भी हमारी भूमि की जो नेचुरल पावर थी वो कम होती जा रही है। और दूसरी चीज क्या है इसमें कि आप देख रहे हैं कि जो टोटल यदि आप सोइल का स्ट्रक्चर देखेंगे, आने वाली ट्रेनिंग में हम आप लोगों के साथ वो डिस्कस करेंगे, उसमें जब पहले जब नॉन कमर्शियल एग्रीकल्चर होती थी तब हमारी जो लैंड थी उसका टोटल कार्बन कंटेंट जो था ऊपर वाली लेयर का वो लगभग 5% था। आज ये डिप्लीट होके जैसे हम हरियाणा में बैठे हैं तो हरियाणा में भी ये 1% कार्बन से नीचे आने की 5 times कार्बन की कंटेंट कम हो गया है। और नॉन अवेलेबल जो मिनरल्स हैं, जैसे मिनरल्स तो हैं पर जमीन की हालत ऐसी हो गई है फर्टिलाइजर यूज करके कि पौधा जो फसल है, जो पौधा है वो उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। अवेलेबल है पर अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी, खेत में तो है, आपके फील्ड में तो, जमीन में तो है, पर उसको पौधा नहीं ले पा रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं आज एग्रीकल्चर में हम देख रहे हैं, चाहे वो सोयल हेल्थ की बात करें, पानी की में हम बात करें, टीडीएस कंटेंट जो है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, यानी कि जिस पानी को आप अपने फील्ड में उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए पौधे में पानी जो डाल रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं उसका टीडीएस लेवल बढ़ता जा रहा है, वो अल्कलाइन की तरफ जा रहा है, जिसके कारण हमारी जो प्रोडक्शन है या प्लांट की जो हेल्थ है वो खराब होती जा रही है। तीसरी चीज ये है कि यदि उपजाऊ शक्ति कम होगी, पानी की क्वालिटी ठीक नहीं होगी, तो फसलों में बीमारियां आने का खतरा भी ज्यादा से ज्यादा है, इसलिए ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड भी डे बाय डे बढ़ रहा है। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए
कि उसकी लाभ किसान की लागत को देखते हुए, आज की सोयल की हेल्थ को देखते हुए, वाटर की आज की जो कंडीशन है, आज ग्राउंड वाटर की उसकी कंडीशन को देखते हुए, या आज जो प्रोडक्शन का लोड है उसको देखते हुए, या आज जो सेफ्टी है हमारी ह्यूमन बीइंग की, हमारी फसलों में जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू हमारे अंदर बॉडी में जा रहे हैं फूड चेन के माध्यम से, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ओके लाइफ केयर ने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं वो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। इनके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, पैसा आप कमा सकते हैं, जो भी काम करेंगे पैसा तो आता ही है, बट ये जो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो लॉन्च करें इसके पीछे मेन मोटो जो मेरा है, क्योंकि आई वॉज अ पार्ट ऑफ ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम जो हमारा अनएजुकेटेड किसान है उसको भी समझा पाएंगे, कि उसको भी एजुकेट कर पाएंगे रियल में, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज उगाने की तो है पर कितना किस टाइम क्या चाहिए ये वाली चीजें अभी उसकी टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस जिसमें 1-to-1 डायरेक्टली एक दूसरे के रिलेशनशिप में आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो एक बहुत अच्छा माध्यम है हमारे पास कि उस किसान को हम नॉलेज दे पाए, उसको अपग्रेड कर पाए। और ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, जिस तरीके की ट्रेनिंग हमने डिजाइन की है आप लोगों के लिए, ये पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा आपके लिए पहचान का लैंडमार्क बनेगी, आपके लिए एक बहुत बड़ा मैं कहता हूं इस इंडस्ट्री में आपको एक अलग पहचान दिलाने का काम करेगी, क्योंकि हम एजुकेशन के माध्यम से बढ़ते हैं, हम प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, अफोर्डेबिलिटी पे, पैकेजिंग पे बात करते हैं, ऐसे यहीं पे भी हम यदि किसान को अच्छे से एजुकेट कर पाए, क्योंकि हमें एग्री एजुकेशन के नाम से अपना नेटवर्किंग में एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है, सब डिवीजन बनाया है, उस डिवीजन का काम होगा आप लोगों की किसानों तक हम कैसे उनको अपग्रेड कर पाए, उनको कैसे उनकी नॉलेज को बढ़ा पाए, और अपने प्रोडक्ट को एजुकेशन के माध्यम से कैसे उनको हम प्रमोट कर पाए और उनकी 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 बचत कर पाए। यानी कि हमारा ये नहीं कि हम प्रोडक्ट सेल करें तो उनकी लागत नहीं बढ़नी चाहिए, लागत कम होनी चाहिए और फसल का जो टोटल यील्ड है, प्रोडक्शन है, वो बढ़ना चाहिए, ये हमारा मेन एजेंडा है। और उसके साथ साथ जो फसलों में कीटनाशक जो आज हम डाल रहे हैं उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स को, पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ, और कैसे हम जितने स्प्रे जो अलग अलग चीजों के जो अपने फसल पे स्प्रे कर रहे हैं वो कैसे मैक्सिमम उनका यूटिलाइजेशन हो पाए, ये सारी चीजों की प्लानिंग ओके लाइफ केयर ने की है आप लोगों के लिए। सो मैं वन बाय वन आप लोगों के लिए डिस्कस करना चाहूंगा। आज हम 3 प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं 9 प्रोडक्ट में से। पहले ऊपर आप फास्टर 85 मिलन और गार्डन हेल्थ किट, ये 3 प्रोडक्ट आपके आज बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और आप लोगों के साथ में इसको हरी झंडी दिखाना चाहता हूं 3 प्रोडक्ट की बिलिंग इस सेमिनार के बाद, आज के लॉन्चिंग प्रोग्राम के बाद आपके पास ये आप ऑर्डर लगा सकते हो। आज आपके पास अंबाला में और अहमदाबाद में आपके पास ये अवेलेबल है, और दूसरे वेयर हाउसेस में अगले 3 से 4 दिन में ये आपके पास पहुंच जाएगा। सो मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे इन चीजों को लेके, और आपको मैं इन 3 प्रोडक्टों के साथ रूबरू करवाना चाहूंगा एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट क्या है और इसका काम क्या है। और हमारी USP मैंने बात की कि जितने भी प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं वो ऑर्गेनिक होंगे, सेफ फॉर यूज होंगे, सेफ फॉर प्लांट होंगे, सोयल के लिए, आपकी जमीन के लिए, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, ह्यूमन के लिए, सभी के लिए ये सेफ है, अफोर्डेबल भी है, और इनको यूज करना बहुत ईजी है। जो हमने जिस तरीके का एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए तैयार किया है आसानी से आप यूज कर सकते हैं, समझा सकते हैं किसान को, और इजी टू कैरी है, और बहुत क्योंकि इसको बनाया किस चीज के साथ है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो वैक्यूम इवेपोरेशन होता है उसके द्वारा इसको बनाया गया है, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है जिसके कारण ऑर्गेनिक और हाई कॉन्सेंट्रेशन है। यानी कि लगभग 50 से 100 किलो की चीज को हमने मात्र 250 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि उसका पूरा रस निकाल लिया और एक डिब्बे में पैक कर दिया गया है, यानी कि आराम से इसको कैरी भी किया जा सकता है, आराम से आप सफर में लेके जा सकते हो। इस तरीके की पैकेजिंग में हमने इन प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर रहे हैं, और गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, ऑर्गेनिक है, ये USP है। और इसके बाद यदि मैं फास्टर 85 की बात करूँ, ये बहुत ज्यादा, ये इंडिया में कोई छोटा बड़ा किसान, छोटी जमीन वाला, टुकड़ा वाला, फ्रूट वाला, सब्जी वाला,
आपकी जर्नल फसल जो होती है गेहूं वाला, कोई भी आदमी है जो भी फसल पे स्प्रे करता है उसके लिए, सभी के लिए ये प्रोडक्ट फास्टर 85 है, जिसका नाम है फास्टर 85। आइए जानते हैं एग्जैक्टली क्या है। नॉन आयोनिक मल्टीपर्पज स्प्रे एडजुवेंट है ये, और कितने ml में है ये, 250 ml में है। आइए इसके बारे में जानते हैं एग्जैक्टली ये क्या है। देखिए, जब आप स्प्रे करते हैं तो आपके ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, लेफ्ट साइड को आपका जो पत्ता है उस पे आपकी जर्नल बूंदे डली हुई हैं, और दूसरी साइड जो वो स्प्रे कर रहा है बहुत छोटी छोटी मिस्ट हैं जो दिखाई दे रही हैं, छोटी मिस्ट। इस तस्वीर से मैं आपको ये डिस्क्राइब करना चाहता हूं कि आप कोई भी स्प्रे करते हैं जो पत्ते पे वो लगभग 4 घंटे नहीं रहेगा तो स्प्रे का कोई भी यूज नहीं होता, वो बेकार हो जाता है, और आप जिस चीज के लिए उसको डाल रहे हैं उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। यानी कि जो स्प्रे है वो 4 घंटे तक पत्ते पे रहना चाहिए। यदि आपके आपने पानी में मैक्सिमम 95% पानी होता है स्प्रे में, 5% आपका कोई भी कीटनाशक है या कोई ग्रोथ प्रोमोटर है वो आप ऐड करते हैं, तो वो 95% जो है पानी है वो बूंद, मोटी बूंद बनके, क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन जो होती है वो हैवी होती है, उसके कारण वो बूंदे बनके नीचे गिर जाता है और 4 घंटे तक प्लांट के उस पे पत्ते पे नहीं रह पाता। इसकी वजह से उसका मैक्सिमम जो बेनिफिट है फसल को नहीं मिलता और वो जमीन पे गिर जाता है। तो इसको एडहेयर करने के लिए, इसको सिक्योर करने के लिए, पहले तो ये बूंद का जो साइज है, जो स्प्रे की जो बूंदे बनती है उनका साइज छोटा करना पड़ेगा। अब छोटा करना पड़ेगा तो समथिंग इमल्सी फायर, जैसे एडजुवेंट जो हम बोल रहे हैं, ऐसी कोई चीज डालनी पड़ेगी जिसके कारण उसकी फाइन ड्रॉपलेट्स बने। जो फाइन ड्रॉपलेट्स बनेगी तो उनका सरफेस टेंशन कम करके ही बनाया जा सकता है, यानी कि वाटर का सरफेस टेंशन को कम करके इस एडजुवेंट को डालेंगे तो वाटर का क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से छोटी बूंदे बनेगी और आराम से स्टिक कर पाएगा किस पे, आपके पौधे के पत्तों पे स्टिक कर पाएगा और मैक्सिमम बेनिफिट, क्योंकि 4 घंटे रहेगा पत्ते पे तब पत्ता उसको ऑब्जर्व कर पाएगा और मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएगा। सपोज करो यदि आपने एडजुवेंट नहीं डाला है और आप स्प्रे करते हैं, हल्की सी भी हवा चलती है, हल्की हवा चलते ही पत्ते हिलेंगे और स्प्रे जो मैक्सिमम की जो ड्रॉपलेट पड़ी थी वो नीचे गिर जाएंगी और स्प्रे का कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। तो एक बेहतरीन चीज आपके लिए ये ओके लाइफ के ने एक जबरदस्त प्रोडक्ट आप लोगों के लिए ये अभी डेवलप किया है और आज लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम है फास्टर 85, यानी कि आपके रिजल्ट को फास्ट करने वाला प्रोडक्ट। ये आपके जो स्प्रे हैं, जो किसी चीज का भी स्प्रे करें उसके रिजल्ट को फास्ट करने के लिए हमने फास्टर 85 लॉन्च किया है। इसके बारे में यदि मैं बात करूं, पानी के सरफेस टेंशन तय के तनाव की वजह से वो पानी नीचे गिरता रहता है बूंद बनके, और पत्तों के ऊपर पानी की बूंदों को फैलने से जो बाहरी बल रोकता है उसे पानी का सरफेस टेंशन यानी कि तनाव कहते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, वाटर ड्रॉपलेट जो है वो सरफेस टेंशन की वजह से, हाई सरफेस टेंशन की वजह से नीचे गिर जाता है और अंदर पत्ते के अंदर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से उसका जो बेनिफिट है हमें नहीं मिल पाता है, राइट। सो जैसे साइंस में आपने पढ़ा होगा, चुंबक सभी को याद होगा, जब हम चुंबक के दो सेम सिरों को मिलाते हैं, क्योंकि चुंबक पे नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ को मिलाएंगे तो चुंबक दूर भागता है और नॉर्थ साउथ को या साउथ नॉर्थ को मिलाएंगे तो चिपक जाता है। इसका मतलब क्या है, यदि सेम चार्ज होगा, साइंस की कहती है और ये प्रूवन है, दो चीजें यदि सेम नेगेटिव नेगेटिव होंगी तो वो दूर भागेंगी, दो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी तो दूर भागेंगी। यदि मिलाप करवाना है, केमिस्ट्री का नियम जो है, आपको एक नेगेटिव चाहिए दूसरा पॉजिटिव चाहिए, इसलिए जो एनायन और कैटाइन है वो एक रासायनिक बॉन्ड बनाते हैं और आपके पत्तों के बीच में एक संबंध बनाते हैं, यानी कि नॉन आयोनिक, आपका कोई भी इसमें चार्ज नहीं है जिसकी वजह से आपके पत्तों से ये दूर भागे, इसलिए आराम से ये लेयर बनाएगा आपके मिस्ट, आपके ड्रॉपलेट्स को आराम से चिपकाने का काम ये पत्तों पे करेगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाएंगे। फसलों पे छिड़काव के दवा में फास्टर 85 को मिलाने से पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिसके कारण बूंदे जल्दी फैलती हैं और पत्तों पे दवा अधिक क्षेत्र में अच्छी तरीके से फैल जाती है। ये जैसे आप देखेंगे विदाउट फास्टर 85 और विद फास्टर 85,
विदाउट में तो आपको ड्रॉपलेट्स नजर आ रही हैं और विद फास्टर, जब फास्टर 85 यूज किया गया, ड्रॉपलेट नजर नहीं आ रही, पूरी तरीके से एक लेयर बनी हुई है स्प्रे की, जिसके कारण वो पत्ता आराम से इस चीज को एब्जॉर्ब कर पाएगा, इतना टाइम मिल पाएगा इस स्प्रे के लिक्विड को कि वो आराम से बेनिफिट ले पाए, राइट। सो ये स्प्रेडर के नाम से भी बिकता है, ये स्पीकर के नाम से भी बिकता है, ये स्प्रे एडजुवेंट के नाम से भी बिकता है। सीधा सीधा मतलब है कि आपने स्प्रे में जो पानी है उसके सरफेस टेंशन को यदि कम कर दिया तो आराम से पत्तों पे वो स्प्रे आराम से पूरी तरीके से एक लेयर बना पाएगा, यूनिफॉर्म लेयर बना पाएगा, जिसकी वजह से आराम से पत्ते को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलेगा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए और आपकी फसल में उसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो छिड़काव किए गए पानी की बूंदे पत्ते पर जल्दी और अच्छी तरीके से फैलने के बाद पत्तों पर चिपक जाते हैं, परिणाम स्वरूप छिड़काव के बाद बरसात में भी छिड़काव की गई दवा घुलती नहीं, यानी कि बारिश भी आ जाएगी तब भी ये 80-90% तक ये स्पेस स्टिक रहता है। सो इसका मतलब ये है आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, उसमें भी आपका स्प्रे जो यदि आप इसको फास्टर 85 को ऐड करके मिलाएंगे तो आपको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा मैक्सिमम, जो कि जनरल नहीं मिल सकता था। पत्ते पर छिड़काव किए गए द्रव आसानी से पत्ते के अंदर जा नहीं पाते क्योंकि पानी पत्तों के ऊपर क्यूटिकल लेयर को आसानी से छेद नहीं सकते, इसलिए फास्टर 85 के कारण छिड़काव किए गए द्रव पत्तों के क्यूटिकल लेयर को आसानी से जल्द छेद कर अंदर तक पहुंचा सकते हैं। अब ये क्यूटिकल लेयर क्या है, देखिए हर पत्ते को यदि आपने गौर से देखा हो, कोई भी पत्ता क्यों ना, उसके ऊपर एक चिकनी सी लेयर होती है, मुलायम सी लेयर होती है, और हमारी स्किन पे भी आप देखेंगे, तो हमारी स्किन पे भी एक ऊपर की लेयर होती है, ऐसे ही उनकी भी वो प्रोटेक्शन लेयर होती है जिसको क्यूटिकल लेयर बोलते हैं। अकेला पानी होगा तो उससे स्लिप हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा, और जब आप फास्टर 85 को डालेंगे तो आराम से स्टिक करेगा और उस क्यूटिकल लेयर को क्रॉस करके पत्ते के अंदर तक जाएगा और उसका पूरा का पूरा बेनिफिट आपको उससे मिल जाएगा। सो मैं इतना ही बताना चाहता हूं, पेनिट्रेशन पावर को बढ़ाता है, स्टिक करता है, आंधी तूफान बारिश आए तब भी ये पत्ते पे बना रहता है, और ड्रिप कंट्रोल एजेंट के रूप में काम करता है, यानी कि आपका छिड़काव के बूंदों के आकार को बढ़ाकर छिड़काव किए गए बूंदों के धुओं को कम करता है, इस कारण छिड़काव अच्छा होता है और इससे बचत होती है, यानी कि अब मोटी एक बूंद मोटी बनेगी और एक बूंद में से 10 बूंदे बन जाए तो आराम से पत्ते पे फैल सकती है और आपका जो टोटल वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम पूरे फील्ड में आपको लगना है उसका लगभग 40% आप वॉल्यूम कम कर सके, यानी कि 40% की आपकी बचत हो जाती है फास्टर आपका 85 ऐड करने के बाद, यानी 40% तक आप अपनी स्प्रे की वॉल्यूम को कम करेंगे तो इससे कॉस्ट कटिंग भी होगी और आपको मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिलेंगे। फास्टर 85 को सभी प्रकार के कीटनाशक में, फफूंदनाशक में, खरपतवार में, यानी कि आपके चाहे वो पेस्टिसाइड हो, आपके फंगीसाइड हो, हर्बिसाइड हो, सभी चीजों में आप मिला के इसको छिड़काव कर सकते हैं और कोई भी स्प्रे हो फास्टर 85 सबके लिए आपका एक एडजुवेंट का काम करता है, आप इसमें किसी को भी मिला सकते हैं। फास्टर 85 इस्तेमाल कैसे करें, कीटनाशक फफूंदनाशक यानी कि आपका पेस्टिसाइड और फंगीसाइड में 50 से 60 मिली लीटर पानी में 100 लीटर पानी में मिलाएं, यानी कि कितना 50 से 60 ml आप 100 लीटर में, यानी कि 1 लीटर में 0.5 से 0.6 ml, यानी कि 1 ml भी नहीं लगता 1 लीटर में। खरपतवार और नाशक के लिए 100 में, यानी कि 1 लीटर में 1 ml, और जमीन में ड्रेंचिंग करने के लिए 500 मिलीलीटर लगेगा, किसके लिए, 1 एकड़ के इस्तेमाल के लिए, यानी कि जो पानी जब आप उस तरीके से देते हैं ड्रेंचिंग के द्वारा तब इसकी जो टोटल जो वॉल्यूम है वो ज्यादा लगेगी। अब हम जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं प्लांट शक्ति फ्रूट स्पेशल गार्ड का छिड़काव करते समय भी आप फास्टर 85 को यदि मिला के छिड़काव करेंगे तो उसकी और ज्यादा एफिकेसी बढ़ जाएगी और ज्यादा अच्छे से वो काम कर पाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है फास्टर 85 के बाद दोस्तों इसका नाम रखा मिलन, यानी कि इस वर्ड में ही, क्योंकि हम हर बार वैसी चीजों का नाम रखते हैं जो आदमी को आराम से समझा पाए। मिलन का मतलब है दो चीजों को मिलाना, यानी कि दो चीजों को मिलना। अब वो क्या मिलाता है,
इसका मतलब ये क्या है, मिलन जो प्रोडक्ट है एडवांस वाटर कंडीशनर एंड पीएच करेक्टर। देखिए धरती का जो पीएच है उस पीएच का जो नेचुरल पीएच है, हम जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं आज तरह तरह के हम केमिकल फर्टिलाइजर जो यूज कर रहे हैं उसकी वजह से डे बाय डे हमारी जमीन का जो पीएच है वो एल्कलाइन की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि न्यूट्रल पीएच होता है 7 डिग्री, 7 डिग्री से ऊपर जा रहा है, और 7 डिग्री से ऊपर जा रहा है। इसकी वजह से होता क्या है कि ज्यादा यदि एल्कलाइन पीएच हो जाएगा तो हमारी भूमि में जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो पौधे के पोषक तत्व पाए जाते हैं, पौधा उनको आराम से नहीं ले पाएगा, उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा यदि पीएच ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, पीएच कंट्रोल नहीं हुआ तो चाहे आपके खेत में कितने भी मिनरल्स क्यों ना हो, कितने भी आपके पोषक तत्व क्यों ना हो, पौधा उसको ले नहीं पाएगा, उसके लिए वो अनअवेलेबल हो जाएंगे। इसलिए आप जो भी आप स्प्रे करते हैं उसका पीएच जो है पानी का पीएच जो है वो आपका मेंटेन होना चाहिए, तब जाके वो आप जो छिड़काव करेंगे वो अच्छी तरीके से आपके पौधे एब्जॉर्ब कर पाएंगे। पीएच मिलन ये वाटर कंडीशनर है, यानी कि वाटर की कंडीशनिंग को सुधारता है। जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर का मतलब क्या है, जिसका टीडीएस 150 प्लस हो गया है, जिसका टीडीएस 200 तक, मैं देखता हूँ बहुत सारी जगह गुजरात के जब आप देखेंगे जो कोस्टल एरिया है वहां पे तो पीएच कितना पीएच बढ़ा हुआ है, बहुत सारी ऐसी जगह जहां पीएच इतना हैवी होता है, उस पानी में यदि आप स्प्रे करेंगे तो आप कुछ भी डालें आपका पौधे को कुछ नहीं मिलने वाला, वो बाहर पड़ा रह जाएगा और आपका पौधा उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो उस पानी की कंडीशन को चेंज करने के लिए, उसको ऐसा बनाने के लिए जिसके कारण वो आराम से कोई भी चीज उसमें आप मिला रहे हैं, कीटनाशक फफूंदनाशक कुछ भी चीजें बना रहे हैं, उसका परिणाम अच्छा आ पाए, उसके लिए हमने मिलन नाम से पीएच सुधारक वाटर कंडीशनर प्रोडक्ट लॉन्च किया है। एक माध्यम से मैं एक चित्र के माध्यम से आपको ये कोट करना चाहूंगा, ये पूरे इंडिया का मैप है, आप देखेंगे जो ग्रीन है, जैसे हरियाणा में और हम रह रहे हैं तो ग्रीन का मतलब यहाँ पे है हार्ड वाटर, यानी कि पीएच 8 है हरियाणा के वाटर का, और वेरी हार्ड है 8.5 पीएच से ऊपर का जो पीएच है वो वेरी हार्ड कहलाता है, जैसे गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, या बहुत टीडीएस कंटेंट बहुत ज्यादा है। आप मॉडरेट पीएच जो है, यानी कि मॉडरेट हार्ड वाटर जो है, जो पीला एरिया दिख रहा है आपको, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसमें मॉडरेट हार्ड वाटर है, और सॉफ्ट वाटर है तो J&K, हिमाचल, उत्तराखंड और सेवन सिस्टर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, ग्रेट नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे सॉफ्ट वाटर है। तो सॉफ्ट जो ब्लू वाला एरिया दिख रहा है ये तो बहुत अच्छा है, किसी भी स्प्रे को मिलाओगे तो अच्छे तरीके से पौधा उसको मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएगा। बट जो हरा है, पीला है, लाल है, इस एरिया में तो आपको वाटर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, जो स्प्रे में ऐड करके आप छिड़काव करें उस पानी के साथ, उसका यदि पीएच सेट नहीं है तो आपका जो स्प्रे कर रहे वो व्यर्थ जाएगा, उसका बेनिफिट जो है पौधा पूरा नहीं उठा पाएगा। तो इसलिए आपका स्प्रे व्यर्थ ना जाए, आपकी जो दवा है या जो भी आप ग्रोथ के लिए कोई चीज डाल रहे हैं वो एक तरीके से व्यर्थ ना जाए, तो उसके लिए पीएच मॉडरेटर मॉडिफाई कंडीशनर का हमें प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम मिलान रखा है। और जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि पानी की हार्डनेस के रूप में, यानी कि टीडीएस कंटेंट जो होता है, साधारण पानी 60 से कम होगा उसमें आप कितना मिला सकते हैं, उसको मिला सकते हो 0.3 मिलीलीटर, यानी कि कितने उसमें प्रति लीटर में आप मिला सकते हो, यानी कि 5 ml 15 लीटर पानी में। जैसे कि आप जो स्प्रे वाली टंकी होती है जिसको कमर पे पीठ पे लाद के वो 15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर तक की होती है, तो 15 लीटर वाली जो टंकी है उसमें ओनली 5 ml आपने ये ऐड करना है, यदि आपका पानी साधारण है तो। और 100 में आपका कितना जाएगा, 30 ml जाएगा, और मध्यम यानी कि 60 से 120 तक पीडीएस है तो आपका 6 ml होगा 15 लीटर में, और 40 ml होगा 100 लीटर में। हार्ड पानी है जिसका 120 से 180 तक पीडीएस है उसमें 9 ml मिलेगा, और 60 ml मिलेगा आपका 100 लीटर पानी में। आपका हार्ड वाटर बहुत ज्यादा हार्ड है, 180 से ऊपर ज्यादा का टीडीएस आपका मिलता है, तो 1 ml यानी कि 15 में 15 ml पर लीटर के साथ, 1 लीटर में 1 ml यानी कि 100 लीटर यदि आपने स्प्रे छिड़कना तो 100 ml उसमें डलेगा।
सभी प्रकार के छिड़काव करने से पहले जिस पानी में छिड़काव करना है उसमें पहले मिलन को मिलाएं, उसके बाद बाकी जो दवा मिलानी है मिलाएं। इसमें ध्यान क्या रखना है, आप को पहले टंकी में पानी के साथ पहले मिलन का मिलाप करवाना है, उसके बाद कोई जो भी कीटनाशक आप डालने चाहते हैं वो डालना है। यदि आपने ये कर दिया, पहले कीटनाशक डाल दिया और पहले आपने फंगिसाइड पेस्टिसाइड जो भी आप छिड़काव कर रहे थे दवा वो पहले डाल दी और बाद में मिलन डाल दिया, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे वार्निंग है, निर्देश है आपके लिए कि पहले पानी में मिलन को अच्छी तरीके से मिलाएं, उसके बाद कोई चीज इसमें डालें तब छिड़काव करें, नहीं तो यदि इसका उल्टा कर दिया तो ये काम नहीं करेगा। अगला प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करें, क्योंकि आज गार्डनिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि मेट्रो सिटीज में आज देख रहे हैं हर किसी के घर में एक पौधा है, हर किसी के बैकयार्ड में गार्डन है। आज तो लोग अपनी छतों पे सब्जियां लगाना स्टार्ट करें, मेडिसिनल प्लांट, तुलसी का पौधा या जो हमारे स्पाइसेस के प्लांट हैं, चाहे पालक की बात करें, कोरिएंडर की बात करें, मेथी की बात करें, ऐसे हम बैकयार्ड में अपने लॉन में घास फूलों के पौधे आज बड़ा ट्रेंड में चला है और हर किसी को पता है कि प्रकृति के साथ कनेक्ट करके रहेंगे तो हम लंबा जिएंगे। यदि प्रकृति से दूर जाएंगे, जितना दूर जाएंगे उतनी जल्दी ही प्रकृति अपने पास बुला लेगी। यानी कि गार्डन आजकल के मॉडर्न लाइफ स्टाइल में गार्डन अपने आप में एक लग्जरी, अपने आप में हर कोई चाहता है उसके घर में पौधा रहे। तो ऐसे ट्रेंड को देखते हुए ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है और मैं आपको बताने वाला हूं। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो MY90 को भी लेके जा सकता है, जो ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके ब्रेन हेल्थ को भी लेके जा सकता है, क्योंकि शहर में बहुत जिसके घर में एक अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, घास लगी हुई है, फ्लावरिंग प्लांट है, तो हर घर में गार्डन हेल्थ किट जा सकती है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट आप लोगों के लिए ओके लाइफ के लेके आए कि आप शहर में हो जो खेती नहीं करते पर उनके घर में प्लांट है वहां पे भी आप ये नॉन कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप लेके जा सकते हैं। ये ML कितना है, 150 ml है। अब इसको इसका काम क्या है, जैसे घरेलू बागान, किचन गार्डन, टेरेस गार्डन में पौधे जो हैं उसमें जो पेस्ट आता है वो मैक्सिमम क्या आता है, वो रस चूसने वाला आता है। जो आप देखेंगे ना आपके पत्तों पे यदि व्हाइट व्हाइट से निशान है तो किसी ने उसका जूस, उस पत्ते का जूस उस कीट ने चूस लिया है, जिसकी वजह से उसकी ऊपर की लेयर खराब होगी और कोई भी फंगस आके उस पौधे को खराब कर सकती है। तो पौधे सूखने लगते हैं और गार्डन हेल्थ किट का इस्तेमाल करें आपके प्लांट को अच्छी सेहत देने के लिए, अच्छी ग्रोथ देने के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए, अच्छे फूल लगे, उसके लिए हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसके जो आपको फफूंद से भी बचाएगा, कीटों से भी बचाएगा और प्लांट के लिए ग्रोथ प्रमोटर भी। इसमें तीन चीजें डाली गई हैं, जिसमें एक का काम है फंगिसाइड का, यानी कि फंगस को खत्म, फंगस को रोकने का, मारता नहीं है क्योंकि ये कीटनाशक नहीं है, कीटनाशक तो मारेगा, फंगिसाइड तो मारेगा, ये फंगियोस्टेट है। फंगियोस्टेट का मतलब स्टेबल कर देता है उसकी, उसको आगे बढ़ने से रोक देता है, उसकी उसके विकास को रोक देता है फंगस के। एक है इसमें पेस्ट को, जैसे जो रस चूस लेते हैं पत्तों का, उसको भी ये अटैक नहीं करने देता, तो वहां पे भी एक प्रोटेक्टिव लेयर ये बनाता है। तो एक आपका पेस्ट को रस चूसक जो कीट है कीटों को दूर रखता है, दूसरा है फंगस को स्टॉप करता है, तीसरा क्या है इसमें आपके पौधे के जो न्यूट्रिएंट्स जो मिलने चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं। आप तीन तरीके की इसमें बोतल मिलेंगी, इसको आप देख रहे हैं एक सिंपल सी आप प्लास्टिक की बोतल में आप एक पंप लगा के आराम से इसको डिजोल्व करके आराम से छिड़क सकते हैं। इसका कैसे इसको यूज करना है, गार्डन हेल्थ का आपने कुछ नहीं, पहला दूसरा ट्रीटमेंट तीनों बोतल को इकट्ठा आपने क्या करना है कि आपने 2.5-2.5 ml आपने मिला के एक बार भी आप तीनों को मिला के आप यूज करेंगे तो इसके परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। एक लीटर पानी में तीनों का 2.5-2.5 ml आप ले सकते हैं, 2 ml तक भी लेंगे तो चलेगा। तो एक लीटर पानी में आप इसको छिड़काव करें और हफ्ते में एक बार छिड़काव करेंगे तो पौधे अच्छे हरे भरे रहेंगे, बहुत ज्यादा फूल खिलेंगे आपकी। और दूसरा ये है कि जो फंगस को ये स्टैट करता है या कीटों को दूर रखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेंजरस है, पर इसका ये भी मतलब नहीं है मैं ये रिकमेंड करूं आप इसको पी जाएं, पीना नहीं है, पर कोई इसको टच भी कर लेगा, इसको पत्ते को, जैसे क्या होता है कि घर में पत्ते पे टच हाथ लगता ही रहता है लोग, तो
पेस्टिसाइड्स के छिड़काव की सुगंध के कारण ही बेहोश हो जाते हैं, समटाइम आपने सुना होगा खेतों में मर जाते हैं, पर इसका कोई भी आपके बच्चों पे, आप पे, आपके यानी आपके घर में कोई पेट है, एनिमल है, किसी पे भी कोई दुष्प्रभाव नहीं है, बिल्कुल सेफ है और आप आराम से इसको यूज कर सकते हो अपने गार्डन को अच्छी हेल्थ देने के लिए, अपने गार्डन में आपके अच्छी तरीके से ग्रीनरी मेंटेन रहे, अच्छी तरीके से फूल आपके पेड़ों पे आते रहे, इसके लिए आप ये गार्डन हेल्थ किट का इस्तेमाल कर सकते हो। और गार्डन हेल्थ किट के लिए सूरज की किरणों से इसको दूर रखना है, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है गार्डन हेल्थ किट, छोटे बच्चे घरेलू पालतू प्राणी से दूर रखें। गार्डन हेल्थ किट ट्रीटमेंट प्राकृतिक रूप से बनने के कारण पशु पक्षी मानव और पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट के लिए सुरक्षित है, इसके कोई भी दुष्प्रभाव ना तो आप पे पड़ेगा, ना आपके पालतू पेट पे पड़ेगा, ना आपके बच्चों पे पड़ेगा, और पर्यावरण के लिए भी एनवायरमेंट के लिए भी सेफ है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, आराम से इसको आप यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक आप सब्जी भी लगाई उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सो इन सारी तीन प्रोडक्टों की लॉन्चिंग आज हो गई है और आज से इनकी बिलिंग ओपन होने जा रही है, और आज ये एक हमारे लिए, हम सब डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक आज बड़ा प्राउड का मोमेंट है कि ओके लाइफ केयर ने जो एक सेगमेंट बचा हुआ था उसको भी आज ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया, और अगले हफ्ते से हम इसके एक एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज, कैसे किसान को समझाना है, क्या क्या विशेष बातें ध्यान रखनी है, और ये सारी चीजें हम समझाएंगे। अगले जो 6 प्रोडक्ट हैं वो भी हमारे प्रोडक्शन लाइन में डले हुए हैं, यानी कि चाहे भूमि ऊर्जा यानी कि आपकी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, प्लांट शक्ति, जो जमीन में प्लांट लगाया उसको शक्ति देने के लिए, जो अदर प्रोडक्ट जो आ रहे हैं वो भी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हमने ऑर्गेनिक बेस पे लेके आए हैं और वो प्रोडक्शन में है। अगले महीने यानी कि जनवरी में उन प्रोडक्टों को हम लॉन्च करने वाले हैं। जनवरी में जैसे ही अब नया साल आएगा तो नए प्रोडक्ट के साथ आप एग्रीकल्चर की इस बास्केट में आप देख पाएंगे। सो स्टे ट्यून, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, और किसान के फायदे के लिए काम करना है, सबसे पहले उसका फायदा होना चाहिए। कोई भी हम प्रोडक्ट देंगे तो उसके लिए एक सबसे बड़ी चीज क्या है, उसको अच्छे से एजुकेट करना है, क्योंकि किसान बेचारा इमोशनल है, वो साइड वाले ने कितना डाला है उसे हमेशा 2 ml 5 ml ज्यादा डालने की कोशिश करता है, उसको पूरी टेक्निकल इन चीजों की नॉलेज नहीं है, इसके कारण उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसकी जो पैदावार जो करता है, अपनी खेती करता है, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो बढ़ जाती है। तो उसको भी हमें बचाना है, उसको राइट गाइडेंस देनी है और एक ऐसे प्रोडक्ट देने हैं जो भूमि को भी सुधारे, यानी कि आज हमारी जो भूमि है यानी कि जो हमारी जमीनें हैं उनकी हेल्थ भी जो खराब होती जा रही है, उसको भी हम यंग जनरेशन का, नई पीढ़ी का एक कंधों पे एक जिम्मेवारी है कि हम अपनी जमीन की हेल्थ को भी सुधारें, अपने जमीन के माइक्रोबायोटा यानी कि माइक्रो जो उसमें हमारे मित्र जीवाणु हैं उनको भी हम अच्छी उनकी हेल्थ दे पाएं, जिसके कारण हमारी जो फर्टिलिटी है जमीन की वो बढ़ पाए, उसमें एरोस्पेस बढ़ पाए। ये सारी बातें मैं टेक्निकल ट्रेनिंग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आज के सेशन में बस इतना ही बताने वाला हूँ, ये 3 प्रोडक्ट आज से आपके हुए आपकी बास्केट में आ गए हैं, और अगली बात मैं बताना चाहता हूँ, तीनों ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कहीं पे भी यूज हो सकते हैं, Phosphate 85 सारे स्प्रे के साथ, और पानी के कंडीशन करने के लिए, क्योंकि पानी कंडीशन नहीं किया स्प्रे का कोई फायदा ही नहीं है, तो पानी की कंडीशनिंग के लिए मिलान को पहले ऐड करें टंकी में, पानी डालें, उसके बाद कोई भी दवा उसमें डालें, तो वो भी सभी के लिए प्रोडक्ट होगा। और सिटी लाइफ में जो गार्डन है, जो आपके पौधे हैं, आपके फ्रूट्स के पौधे हैं, मेडिसिनल पौधे हैं, ये आपके ऑर्नामेंट्स प्लांट, आपके इन हाउस प्लांट है घर में, टेबल पे, ऑफिस में, उनके लिए गार्डन हेल्थ किट के 3 बोतलें हैं जो कीट से दूर रखेगी, जो फंगस से दूर रखेगी, फंगस से बचाएगी, और आपके प्लांट की ग्रोथ को मैक्सिमाइज करेगी, उसकी फ्लावरिंग को बढ़ाएगी, उसकी टोटल जो उसकी लाइफ है उसको स्ट्रेंथन देगी, उसको बीमारियों से बचाने का काम भी वो करेगी। यदि हरा भरा गार्डन चाहते हैं तो गार्डन हेल्थ किट ओके लाइफ केयर आपके लिए लेके आया है, अच्छे से इसको प्रमोट करें, और जो भी आपको ट्रेनिंग चाहिएगी उसके मॉड्यूल अगले वीक से आपकी ट्रेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसमें मैं भी मेरा भी योगदान रहेगा, और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी हम टाइम टू टाइम अपने पैनल पे लेके आएंगे, कैसे कैसे इन चीजों को हम यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। ओके लाइफ केयर अपने साइंटिफिक अनुसंधान के लिए जानी जाती है, यानी कि साइंस
और रिसर्च के लिए जानी जाती है। कोई भी चीज हम बिना रिसर्च के नहीं लाते, कोई भी चीज हम बिना ऐसे कोई भी चीज नहीं लाते। जैसे डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे कुछ भी पैक करवा के कुछ भी बेच रहे हैं, ओके लाइफ केयर बाहर से भी अच्छा, अंदर से भी अच्छा, प्राइस में भी अच्छा, और साइंटिफिकली रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट लाने के लिए हमेशा आप लोगों के लिए तैयार खड़ी है। पहले भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, और आने वाले प्रोडक्ट अगले इस महीने में और कुछ प्रोडक्ट भी आने वाले हैं। जल्दी से आप अपने अपने एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ा लीजिए। 15 तारीख के आसपास, 10 तारीख के आसपास और कुछ प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। जय ओके लाइफ केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।